आगवाद पर मच रहा घमासान, राजनेता दे रहे बेतुके बयान, उधर धर्म गुरुओं ने संभाली कमान, खौफ के खिलाफ क्यों नहीं एक जुबान, आतंकवाद पर धर्म युद्ध। मुद्दा कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, गंभीरता की गहराई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन ये राजनीति बेशर्मी का अपना रंग नहीं छोड़ती। इधर आतंकवाद पर धर्म युद्ध छिड़ा है, सभी धुरंधर लोग अपनी अपनी धुन में हैं, यानी हमला पेरिस में हुआ और हाहाकार मचा है हिंदुस्तान में। आतंकवाद पर मच रहा घमासान, राजनेता दे रहे बेतुके बयान, उधर धर्म गुरुओं ने संभाली कमान, खौफ के खिलाफ क्यों नहीं एक जुबान, आतंकवाद पर धर्म युद्ध। दरअसल एक और जहां अजमेर दरगाह शरीफ के दीवान ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से हर रिश्ते तोड़ने की बात कही है, तो वहीं आतंकवाद पर ही यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि जब तक इंसानों में भेदभाव होगा ऐसे हमले होते रहेंगे। आखिर कब तक चलता रहेगा ये मंत्र और कब तक आतंक के इस खेल में खिलौना बनती रहेगी आवाम? देश से लेकर दुनिया के दूसरे कोनों तक कोहराम मचा है आतंकियों के कारनामों से, लेकिन अपने देश में तो जुबान का जोर चल रहा है। कोई एक्शन के रिएक्शन में फंसा है तो कोई भेदभाव के भंवर में और हमलों की बात कर रहा है। इंसान अगर पेरिस में मरता है तो उसका इतना बवाल, और सीरिया में और इराक में और लेबनान में मरता है तो उसकी तो कोई छोटी सी खबर भी नहीं बनती। ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों? वो इंसान है जो यूरोप में रहते हैं और जो लेबनान में और सीरिया में रहते हैं और जो इराक में रहते हैं, वो इंसान नहीं है। अगर इस तरह से जुल्म होता रहा तो इस तरह के और लोग पैदा होते रहेंगे और हमले होते रहेंगे। इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं होता रिजवी साहब, लेकिन इंसानियत का पैमाना भी तो एक होना चाहिए, और इस पैमाने से लकीर खींची है अजमेर दरगाह शरीफ के दीवान सैयद जैनुल आबदीन ने। कह दिया कि पाकिस्तान से बंद हो बातचीत का हर रास्ता। सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमारी हुकूमत को ये आगाह करना है कि पाकिस्तान से हर किस्म के ताल्लुकात को सबसे पहले अव्वल तरीन कर लीजिए, खात्म कर लीजिए। इधर कांग्रेसी कुनबा भी आजकल कमाल की कारीगरी में लगा है। मणिशंकर अय्यर से लेकर सलमान खुर्शीद तक तो पहले ही जता चुके जज्बात, अब शकील अहमद ने ट्वीट करके खेल दिया मजहब मजहब का खेल। शुक्र है छोटा राजन और अनूप चेतिया मुस्लिम नहीं है, अगर वो मुस्लिम होते तो मोदी सरकार का अलग ही रवैया होता। बहरहाल अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग है आतंक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। कितनी गजब बात है कि खौफ के खिलाफ भी हम नहीं हो सकते हैं एक जुबान। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आतंकवाद पर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है आखिर क्यों आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्यों आतंकवाद में भी जाति धर्म ढूंढते हैं राजनेता। सवाल ये भी क्यों आतंकवाद पर भी हम एक नहीं है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये मंजर। सवाल ये भी खड़ा होता है क्यों खौफ के खिलाफ भी एक नहीं होती हमारी जुबान। तो तमाम ये सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं आतंकवाद पर लगातार आ रहे बयानों के बीच। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं एक के बाद एक, आतंकवाद को लेकर आ रहे विरोधाभासी बयानों के बाद सवाल कई हैं। सवाल ये क्यों आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत हो रही है, क्यों हम इस पर एक सुर नहीं होते। और चलिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आबिद हुसैन जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी साहब जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जुड़ चुके हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आतंकवाद तो आतंकवाद है, पूरी इंसानियत का दुश्मन है, फिर इस पर हम लोग एक सुर क्यों नहीं होते, इसमें विरोधाभास क्यों?
देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एक सुर है और हर धर्म का व्यक्ति, वो चाहे जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो, आतंकवाद के खिलाफ एक सुर है जी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, जो बात मैंने कही कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने वाली बात है। जो इस वक्त वहां बम्बार्टमेंट हो रहे हैं, या इससे पहले जो सीरिया और इराक में लोग बेगुनाह मारे गए, यही आईएसआईएस के लोग उनको मार रहे थे बेरहमी से, उस वक्त आवाज भी उठनी चाहिए थी। हमने पेरिस के जो अटैक हुआ उस पर भी हमने मदम्मत की, पूरी दुनिया ने मदम्मत की, हर आदमी उससे अफसोस उस पर जाहिर किया। लेकिन क्या हमको ये बात कहने का हक नहीं है? क्या हमारे दिल में इस बात का दर्द नहीं उठता कि आदमी, बच्चा, औरत कहीं पे भी मरती है, कहीं पे भी आतंकवाद का शिकार होती है, तो उसके लिए आवाज हर मुल्क से, हर धर्म के लोगों से की जबान से उठनी चाहिए। मीडिया में खबरें नहीं बनी तो क्या आतंकवाद का समर्थन होगा सैयद साहब? मैंने आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। हम तो कहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। इस वक्त जो बम्बार्टमेंट हो रहे हैं ये गलत है। वहां पे एक बात मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एक छोटा सा भी आदमी क्राइम करता है तो वो अपने बचने के रास्ते निकाल लेता है। इतनी बड़ी पेरिस के अंदर घटना घटी, इतने बेगुनाह लोग मारे गए, क्या आईएसआईएस के लोग इस वक्त शहरों में रह रहे, अस्पतालों में रह रहे? जो वहां शहरों में अस्पतालों में बम्बार्टमेंट किए जा रहे हैं, क्या ये जायज है? इसमें बेगुनाह नहीं मर रहे? क्या 129 लोगों की बेगुनाह मौत का बदला बेगुनाहों से लिया जा रहा है? ठीक है रिजवी साहब, मसला ये नहीं, ये विषय में क्यों लेके आया उस पर रोशनी डाल दूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। ये इसलिए मसला लेके आया, हमको हमारी तकलीफ ये है कि जब भी कोई आतंकवादी वारदात घटती है तो हम निंदा तो करते हैं लेकिन किंतु परंतु लगा के वहीं से लड़ाई कमजोर हो जाती है। उस वक्त की जरूरत होती है। एक रिजवी साहब, एक सेकेंड, आप अपनी बात कह चुके, आप अपनी बात बोल चुके, फिर नंबर आएगा। हमारी लड़ाई उसी वक्त कमजोर हो जाती है जब हम किंतु परंतु लगाते हैं। आज घटना घटी, आज उसकी केवल और केवल निंदा होनी चाहिए। आजम साहब ने क्या नया राग छेड़ दिया? सलमान खुर्शीद नया राग छेड़ दिए, मणिशंकर अय्यर तीसरा राग लेके निकल लिए बाजार में। आज अब तमाशा हो रहा है हिंदुस्तान में। आज वहां मुठभेड़ हुई पुलिस की, मारा गया इस घटना का मास्टरमाइंड। हिंदुस्तान जैसा दृश्य होता तो अब तक तो 10-20-50 लोग मोमबत्ती लेके निकल लिए होते सड़क पर मुठभेड़ के खिलाफ। वो हिंदुस्तान कभी एक आवाज में बोल सकता है या नहीं, ये बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला। आबिद हुसैन साहब जी, कल हमारा विषय था कि हिंदुस्तान की जमीन के बाहर, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क की सरजमीन पर खड़े होके जब हम लोग हिंदुस्तान की आलोचना करते हैं तो हिंदुस्तान का सर झुकता है, उससे भी आतंकवाद मजबूत होता है क्योंकि पड़ोसी उसी काम में लिप्त है। तो आपके प्रवक्ता ने यहां जो थे कल पैनल में, उन्होंने कहा कांग्रेस, ध्यान से सुन लीजिए, मगर आप भी, उन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कल, कांग्रेस सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के बयानों से खुद को संबद्ध करती है। तब तो आतंकवाद नहीं रुक सकता। फिर अगर यह परिस्थितियां रहेंगी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए हम पाकिस्तान से मदद मांग लें और उसके बाद कहें कि कांग्रेस उससे संबद्ध करती है, क्या ये तरीका है आतंकवाद से लड़ने का? क्या ये तरीका है भारत के स्वाभिमान के लिए खड़े होने का? आबिद हुसैन साहब जी, देखिए ऐसा है, अभी आपने 2-3 बातें एक साथ कह दी जी। मैं आपको इसमें साफ साफ बता दूं कि आतंकवाद, पहली बात तो किसी एक मजहब से जुड़ा नहीं, किसी भी मजहब में, किसी भी समुदाय में, किसी भी मजहब में आतंकवाद को कोई ऑफिशियल हैसियत हासिल नहीं है। लोग अपने से बचने के लिए किसी भी आतंकवाद का बैनर या झंडा या नाम रखकर अगर आतंकवाद करते हैं तो किसी मजहब में इंसानियत के खिलाफ कहीं कोई बात कही ही नहीं गई। हर मजहब इंसानियत के नाम पर फैलाया गया, अपने आदर्शों पर फैलाया गया, कभी तलवार पर नहीं फैलाया गया और आतंकवाद के जरिए तो कभी नहीं फैलाया गया, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के कई दुश्मन आतंकवादी चूंकि पनाह लिए हैं, इसलिए पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, या जितने भी तान हो, जितने भी मुल्क हो,
जहां जहां आतंकवाद के लोग पनाह लिए हुए हैं और जो आतंकवाद को एक्टिव हो रहे हैं उनके पास जिस तरीके के टेलीविजन चैनल्स के जरिए दिखाए जाते हैं, जो उनके पास मॉर्टर्स, जो उनके पास ऑटोमेटिक असलहे, जो उनके पास मिसाइल्स, ये सारी चीजें होती हैं, ये उनकी फैक्ट्रियां तो नहीं है। ठीक, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको सपोर्ट करता है। ठीक, और वो कौन सपोर्ट करता है? हमें सारे देश के लोगों को अगर इंसानियत को बचाना है तो मिलकर ये ढूंढना चाहिए। आपने बात बहुत अच्छी कही। एक बात आपको याद दिला दूं, सबसे पहले अनिला सिंह जी का स्वागत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ आ गए। एक बात जरूर कहूंगा, फिर असीम वकार साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मैं इस बात से जब से मुझे अकल आई तब से इसी बात के साथ खड़ा हूं कि अपराध ही का कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं। लेकिन मुझे दुख तब होता है, अरे भाई बकार साहब कहां फोन के चक्कर में लगे हो, छोड़ो मुझे दुख मालूम कब होता है अभी हुसैन, मुझे दुख तब होता है जब आपकी पार्टी का शकील अहमद जैसा नेता, बड़ा नेता, ये कहता है कि ये तो खुदा का शुक्र है कि अनूप चेतिया और छोटा राजन मुसलमान नहीं है। ये आतंकवाद का धर्म ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे तो क्या सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये नहीं चलेगा, यही से मुल्क कमजोर होता है। अभी तक आएंगे आपको, आप जवाब दीजिएगा। असीम वकार साहब, हम दो पैमाने कैसे रह सकते हैं? एक तरफ हम कहें आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वेरी ट्रू, अच्छी बात है, फिर हम साथ में ये भी जोड़ देते हैं। नहीं अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं, मेरी कौम, मेरी पार्टी, मेरा परिवार, हम सब पेरिस में उन लोगों के साथ संवेदना रखते हैं जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई। और सच्चाई ये है कि देखिए, आतंकवाद एक ऐसा विषय इस दुनिया में है जिसके ऊपर एक बहुत ओपन बहस होना चाहिए। अमिताभ जी मुझे अपनी बात कह लेने दीजिएगा। जी, बोलो भैया, बोलो। मैं एक सख्त अल्फाज बोलने जा रहा हूं कि अब यूनाइटेड नेशन को और हिंदुस्तान और बाकी जो बड़े मुल्क हैं इनको यह तय करना पड़ेगा कि ऑफिशियल आतंकवाद और अनऑफिशियल आतंकवाद ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी तरह का भी। ऑफिशियल आतंकवाद मैंने इसलिए कहा है कि आज से 25 दिन पहले टोनी ब्लेयर ने CNN को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्हीं ने कहा कि आज से 12 साल पहले 2003 में इराक युद्ध के लिए हम पूरी दुनिया से माफी मांगते हैं, और उन्होंने यह खुलासा किया कि झूठ, फरेब, बेमानी के आधार पर जो खुफिया रिपोर्ट बनाई गई थी उसके ऊपर दबाव बनाकर अमेरिका हम सबको युद्ध में ले गया और सद्दाम हुसैन की हत्या हुई। तो ये ऑफिशियल आतंकवाद है। जो पेरिस में हमला हुआ ये अनऑफिशियल आतंकवाद है। बात पाकिस्तान की आई, बात नेपाल की करिए, किसी भी मुल्क कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमिताभ जी यहां ये खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान तो खेत है आतंकवादी तैयार करने का, लेकिन उस खेत में ट्रैक्टर कौन चला रहा है? उस खेत में आतंकवाद का पेड़ कौन लगा रहा है? उस खेत के अंदर तैयार पेड़ से जो आतंकवादी निकल रहे हैं उनको हथियार कौन सप्लाई कर रहा है, बम कौन सप्लाई कर रहा है, उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? जिस ओसामा बिन लादेन को आज पूरी दुनिया में थू-थू किया जाता है, और सच्चाई है कि करना चाहिए, उस ओसामा बिन लादेन की पैदाइश किसने की? तो पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ देना चाहिए। अमेरिका से क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? ब्रिटेन से क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? मैं मानता हूं, आपके साथ हूं, कि जो आदमी आतंकवाद की बात करता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उन सब से किनारा कर लेना चाहिए और उनको एकदम किनारे करके उनसे सारे रिश्ते तोड़ लेना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उससे भी रिश्ते तोड़ना चाहिए। बकार जी, आपके सवाल ठीक है, अच्छे सवाल है, इनका इन पर भी जरे होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मालूम कब होती है? जब इस मुल्क की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ चुके लोग, श्रीलंका और नेपाल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के साथ हमारा दुनिया में सबसे अलहदा रिश्ता है, मैं ज्यादा कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं इससे बचना चाहता हूं, सबसे अलहदा रिश्ता है, वहां की जमीन पर खड़े होकर भारत को कलंकित करने वाली बात करे तो तकलीफ नहीं होगी? आतंकवाद का वो खेत है, आप वहां खेत में जाके पानी देने गए कि क्यों गए? दुनिया में कौन दे रहा पानी वो अलग का विषय, आप क्यों गए? पाकिस्तान के आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार भारत होता है, 90% नुकसान भारत उठाता है, 10% बाकी दुनिया उठाती है, जिसका हर गोला बारूद हमारे सीने के लिए बना, वहां जाके आप बोल रहे हो, तमाशा कर रहे हो दुनिया में भारत का,
आप भारत के विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, आप भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आप जाकिर हुसैन के परिवार के हैं, नाक कटा रहे हैं भारत की। और मुझे बहुत खेद है, शकील अहमद ये किस किस नजर से पूछ रहे हैं कि चेतिया और छोटा राजन मुसलमान हो नहीं है, शुक्र है। ये तमाशा क्यों, आज के दिन क्यों, 15 दिन बाद ये इशू उठा लेते, हमें मालूम है आप जरूर उठाएंगे, मानेंगे नहीं शकील साहब, लेकिन 15 दिन बाद उठा लेते, कोई मुहूर्त निकाला था कि आज ही सारे इशू उठाएंगे हम ताकि लड़ाई कमजोर हो। विजय शंकर तिवारी जी, हिंदुस्तान इतने बड़े मसले पर भी एक सुर में वैसा क्यों नहीं बोलता जैसा दुनिया के और बड़े मुल्कों में हम देखते हैं। मैं आज फ्रांस की ही बात करता हूं, आज फ्रांस में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, आपको पूरे फ्रांस में एक आदमी, वहां भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस जैसी है ना, वहां भी चुनाव होता है, वहां भी गलाकाट प्रतियोगिता है कुर्सी की, तिवारी जी है कि नहीं, जी, जी, है ना, लेकिन वहां किसी एक आदमी का बयान दिखा दीजिए जिसने सरकार की राष्ट्र की नीति से इतर हटके इशारा भी किया हो। तिवारी जी, भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अमिताभ जी, अभी कुछ महीना पहले, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपके स्वर से सुर मिला रहा हूं, इसमें मैं कोई अलग चीज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ उदाहरण दे रहा हूं। अभी कुछ महीना पहले एक आतंकवादी को भारत में के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी, और उसको सजा देने के बाद उसकी सजा रुक जाए, फांसी की सजा रुक जाए, इसके लिए भारत के 40 से अधिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के और उस आतंकवादी के बीच में खड़े हो गए, और सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय न लागू हो उसके लिए जितने हथकंडे थे वो अपनाए गए। अमिताभ जी, उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, दोनों प्रकार के लोग थे। आप जो कह रहे हैं उसके पहले भी समझौता एक्सप्रेस आपको ध्यान में होगा, समझौता एक्सप्रेस हुआ, समझौता एक्सप्रेस में पहले कुछ लोग उसमें पकड़े गए, जेल में बंद किए गए, और इसी केवल ये जो कुंठित हो जाए इसकी धार, आतंकवाद की धार कुंठित हो जाए, इसके लिए उनको छोड़ा गया। और एक निरपराध जिसके खिलाफ आज तक कोई भी क्रिया नहीं की गई, और डांग में रहने वाला वो संत उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया। आप आतंकवाद की हर बात को काटते हैं, आतंकवाद कमजोर हो इसके लिए मणिशंकर अय्यर जी की बात कर रहे थे, आप पूरी बात बताइए कि उन्होंने वहां कहा क्या, उन्होंने वहां कहा, वहां के जर्नलिस्ट से कहा कि आप हमारा सहयोग करिए, 4 साल बाद में उन्होंने 4 साल बाद कहा ये मोदी सरकार हटेगी, आप हमारा सहयोग करेंगे तो मोदी सरकार हटेगी, इसके बाद कहीं हम आपसे बात करेंगे, यानी ये शर्त, तो आप क्या ये कल्पना कर सकते हैं क्या इनसे, आप ये अभी बाटला हाउस, आप कितनी बार दोहराया गया होगा, लेकिन दोबारा दोहरा देता हूं, बाटला हाउस में मोहन शर्मा नाम का वो इंस्पेक्टर जिसने अपनी जमीन के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए जूझ गया, और हमारे कांग्रेस के ही कुछ लोग वहां जाकर के मोहन शर्मा के घर में नहीं गए, उन्होंने जाकर के दाऊद इब्राहिम साहब, ओसामा साहब और उनको साहब ये कह करके जब वो खड़ा करते हैं, आप क्या इनसे अपेक्षा करते हैं, इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये आतंकवाद की धार कुंद करेंगे? इन्होंने आतंकवाद की धार को कुंद नहीं किया, पैना किया है। आज जो आतंकवाद दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे इनके बीज बोए हुए हैं, और जिसका परिणाम हमारे सामने अमिताभ जी दिखाई पड़ रहा है। अनिला जी, मेरा वही सवाल हर आदमी से, मैं पिछले 2 दिन से एक ही बात पर चिंतन कर रहा हूं, क्या फ्रांस जैसा एक स्वर में भारत ऐसे मसलों पर नहीं बोल सकता? सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सबकी लड़ाइयां भारत के भीतर की है ना, भारत के बाहर तो कोई चुनाव नहीं होते, लड़ते हम लोग भारत के भीतर ही लड़ते, फरुखाबाद में लड़ते, असीम बकार इटावा में लड़ते, अरविंद हुसैन मान लो आपस में, यही ना, हॉलैंड में तो लड़ नहीं रहे चुनाव कोई, यहां राजकाज में एक दूसरे की टांग खिंचाई ठीक है, लेकिन बड़े मसलों पर जैसे फ्रांस बोल रहा है पेरिस हमले के बाद, हिंदुस्तान वैसे क्यों नहीं बोल सकता? अमिताभ जी, आपका जो प्रश्न है ये वाकई में एक सोचने वाला विषय है, और जहाँ तक मेरी सोच जाती है इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हिंदुस्तान है, जो भारतवर्ष है, जो यहाँ पे रहने वाले हमारे वासी हैं, शायद बेहद टॉलरेंट किस्म के हैं, और ये जो टॉलरेंस है कभी कभी बहुत पॉजिटिव और कभी कभी बहुत नेगेटिव होती है,
और जैसे आपने अभी अभी कहा कि पेरिस में इतना बड़ा आतंकवाद का हमला हुआ और वहां पे जो भी आवाज उठ रही है एक सुर में उठ रही है, एक दूसरे पे कहीं उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, वहां पर भी चुनाव होते हैं, वहां पे भी राजनीतिक पार्टी हैं, वहां पर भी मतभेद होते हैं, पर हाँ देश को लेके किसी के बीच में मनभेद नहीं होता है और अपने देश के लिए वो एक आवाज उठाते हैं। पर मुझे पता नहीं मेरे भारतवर्ष में जो 7 सदी एक धर्म विशेष ने राज किया और फिर 2 सदी एक धर्म विशेष ने राज किया, शायद वो इतनी गहरी अपनी जड़ें कर गया है कि हम अपनी खुद की जो एक आइडेंटिटी होती है वो हम भूल चुके हैं। और जो एक ये आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको मैं कहूंगी उसको लेके ये जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं और वोट बैंक की जो ये राजनीति करती हैं कि शायद हम इस धर्म इस जाति को लुभा लें, हमारा फायदा हो जाए, देश का नुकसान होता है होता रहे, देश की छवि बिगड़ती है बिगड़ती रहे, पर मेरी पार्टी की मेरी छवि जो है वो बनी रहे। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने, पॉलिटिकल वो समीकरण ज्यादा है। रिजवी साहब एक सवाल मैं छोटे उदाहरण सामने नहीं रखूंगा, मैं हिंदुस्तान के मेरी छोटी समझ के मुताबिक जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान के माथे पर हमला मैं मानता हूं वो मानता हूं जब संसद पर हमला हुआ था। सारे हमले दुखद लेकिन मेरी नजर में पूछेगा तो भारत पर सबसे ज्यादा चोट लगी थी उसके आत्मसम्मान को जब उसकी संसद पर हमला हुआ था। मैंने वो हमला देखा, मैं सशरीर वहां मौजूद था जब हमला हो रहा था, अंदर मौजूद था रिजवी साहब। उसके बाद मैंने हिंदुस्तान की मीडिया भी देखी, मैं मीडिया की भी आलोचना कर रहा हूं, मीडिया भी देखी, पॉलिटिकल पार्टीज भी देखी, सामाजिक संगठन भी देखे, एनजीओज भी देखे। मुंडे मतिर भिन्ना, वेद में कहा गया जितने सिर उतनी बातें। हम लोग आज जैसे फ्रांस बोल रहा है, एक आदमी आप बता दीजिए सोशल मीडिया से लेके और सरकार और गैर सरकार विपक्ष में फ्रांस का जो फ्रांस की लाइन से हट के बोल रहा हो। हिंदुस्तान कभी ऐसा क्यों नहीं करता? पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ था वो तो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था, पार्लियामेंट तो सबकी है, तब भी इस देश में विभाजन की रेखा खींची हुई थी। रिजवी साहब ऐसा क्यों? जी देखिए अमिताभ जी, जिस वक्त संसद पे हमला हुआ या बंबई में ताज होटल वाली घटना हुई, जिस वक्त ये हमले हुए सारे मुल्क ने उन हमलों का खंडन किया, वो चाहे जिस जातीय बिरादरी का आदमी हो, जिस जाति बिरादरी का लीडर हो, किसी सियासी पार्टी का लीडर हो, किसी को माफ करिए माफ करिए, मैं ये बातें कहनी में अच्छी लगती, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे दूं, आप थ्योरेटिकल बात करो, मैं तो उदाहरण दे दूंगा, मैं मेरी बात काट दो ना। उस जिलानी को के पक्ष में अगले ही दिन लोग बोलना शुरू कर दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले को, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बाद में फांसी की सजा सुनाई, लोगों ने कहा इसको गलत बता रही है भारत की सरकार, भारत के लोगों ने कहा, और आप कह रहे हो एक स्वर में बोल रहे थे नहीं। भाई साहब मैं पत्रकार हूं, हमला हुआ रिजवी साहब, आप टीवी पर के समाचार जानते हो, मैं उनमें जीता हूं। अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और तमाम। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूं, फ्रांस में पॉलिटिक्स क्यों नहीं हो रही, यही तो पूछ रहा हूं। सर मैं जवाब दे दूं, आशीष बता रहे हैं कि आपके पास आपसे आप थोड़ा मैं दे रहा हूं। देखिए बिल्कुल ये होना चाहिए, हमारा तो मतलब ये है आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, इनको जिंदा पकड़ना ही नहीं चाहिए, इनको तो एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। अगर आपने किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया है तो फिर उसको सांस लेने का अधिकार नहीं देना चाहिए। जिस वक्त आप उसको पकड़ लीजिए महीना डेढ़ महीने के अंदर मार दीजिए। उसकी वजह क्या है आप बताइए, कसाब को हमने कितने दिन रखा और कसाब के ऊपर कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ, क्या उसको सांस लेने का अधिकार था? इतने बेगुनाहों को मारने वाला आदमी इतने साल हिंदुस्तान की जेल में जिंदा, जब बयानबाजी बंद होगी, जब आतंकवादी बंद होगी, हिंदुस्तान एक सुर में बोलेगा, सारी पार्टी सारे एनजीओ, उस दिन ये हो जाएगा। बिल्कुल साहब मुश्किल ये है, अभी साक्षी कुछ बोलते हैं, आजम खान कुछ बोलते हैं, सलमान खुर्शीद कुछ बोलते हैं, प्राची कुछ बोलती है, भाजपा कुछ बोलती, कांग्रेस कुछ बोलती, सपा कुछ, बसपा कुछ,
अब ये काम कैसे हो जाएगा गरीब साहब? बिल्कुल एक सुर में बोलना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज है कि आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में बोलना चाहिए, दहशत गर्दों को खत्म होना चाहिए, यही हर आदमी को इस बात पे स्टैंड करना चाहिए, इसमें इफ और बट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इस बात का है कि कहीं पे भी दहशत गर्द हो और किसी के साथ भी ऐसी घटना घटे तो उसका पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, कोई आतंकी घटना हो बिना किंतु परंतु के। और एक बात और मैं कहूंगा, खासतौर पर अपने भाई असीम वकार जी के को संबोधित करते हुए, जैसे हम लोग पॉलिटिकल बहस में अमर वकार साहब अक्सर रहते हैं साथ में, मैं हमेशा कहता हूं आज के मुद्दे पर टिप्पणी करो, अतीत में नहीं। वैसे ही आतंकवाद की हर एक घटना पर इंडिविजुअली बिना किसी किंतु परंतु के निंदा होनी चाहिए, तब जाके कहीं पूरा देश एक स्वर में खड़ा दिखाई देगा। जब तक हम उसको पुराने उदाहरणों से जोड़कर हल्का करने की कोशिश करेंगे, तब तक हिंदुस्तान एक आवाज वाला देश नहीं दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वकार भाई, सवाल वही कि जब बाकी कंट्रीज में आतंकवाद को लेकर एक सुर रहता, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, फिर हमारे देश में ही क्यों होती है? कोई भी आदमी आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा है, और मैं समझता हूं कि जो आतंकवाद की तारीफ करे या उसकी पक्ष ले, उसको सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। आतंकवाद इंसानियत पर एक बदनुमा दाग है। अमिताभ जी, आजम खान पर कार्रवाई कर दीजिए। वकार भाई माफ कीजिए, बीच में टोकना पड़ रहा है। आपने कहा कि जो भी समर्थन करे, काम टोकना है, मैंने आपसे कहा कि अभी आपने कहा। देखिए, विजय शंकर तिवारी जी बैठे हैं, इन्हीं ने आपके चैनल पर बड़ी खूबसूरती से ये कहा कि समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में जो लोग पकड़े गए उनको छोड़ा गया और बाद में नाहक और मासूम लोगों को फंसा दिया गया। जब तक ये हैं, जब तक साध्वी प्रज्ञा के तारीफ करने वाले लोग हैं, कंदल पुरोहित की तारीफ करने वाले लोग हैं, तब तक आसीमानंद की पूर्व तारीफ करने वाले लोग हैं जी। जब तक के वो जो संसद में हमला हुआ था उसमें जो प्रोफेसर पकड़ा गया था उसकी तारीफ करने वाले लोग हैं, जब तक कासाब के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जब तक याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तभी तो कह रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर सियासत क्यों हो रही है, मुश्किल काम दिख रहा है। ठीक बात। मैं अमिताभ जी एक रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कि अब दुनिया को सबसे पहले एक कानून बनाने की जरूरत है, वो है नेशन फर्स्ट रिलीजन सेकेंड। इस्लाम में 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हुब्बुल वतनी व इलल ईमान, वतन परस्ती ही इंसान का सच्चा ईमान होता है। यह नहीं कहा था कि दीन या मुसलमान जो है वो उसका ईमान इस्लाम है, यह कहा था कि वतन परस्ती ईमान है। फिर आप सपोर्ट करेंगे जी यूनिवर्सल सिविल कोड को? आप सपोर्ट करेंगे जब अनिल सिंह जी, आप पूरा वतन एक फुट पे लेकर आना है तो बराबरी होनी चाहिए ना, सोवरेंटी होनी चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, जो हमारे संविधान में जो चीजें लिखी हुई। मुझे बोल लेने दीजिए, मैं जवाब देता हूँ अभी आपको, इस पर भी दे रहा हूँ, कॉमन सिविल कोड पे भी दे रहा हूँ। अब आप अगर मुझसे ये कहिए कि हम अपने निकाह के तरीके बदल लें, अब आप अगर मुझसे ये कहिए कि हम अपने के तदफीन के तरीके बदल लें, अब आप मुझसे ये कहिए कि हम अपने क्या बच्चा पालने का तरीका बदल लें, अब आप अगर मुझसे कहिए कि हम अपने तरीके का सिंपल कह रही हूं कि जो आप बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं कह रहे हैं, तो उसमें फिर बहुत समय लगेगा। आबिद भाई, एक और उदाहरण रखता हूं जिससे मेरा दर्शक समझ पाए, आम आदमी 23 करोड़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, मैं उतनी सरल भाषा में बात करता हूं। मैं जिनेवा कन्वेंशन पर नहीं जाऊंगा, अमेरिका गलत सही भी मैं नहीं कह रहा, इसलिए मेरे गले में कोई घंटी मत बांधना भाई, एकदम मेरिट डिमेरिट की बात नहीं कर रहा। अमेरिका ने एक युद्धक कार्रवाई को अंजाम दिया रात के अंधेरे में, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुस के मारा, मार के बॉडी ले गया और समुद्र में सैकड़ों किलो पत्थर बांध के रसातल में डाल दी, ताकि कोई मजार वजार बना के नया करिश्मा भी नहीं हो। ठीक, बात को सुन लीजिएगा गौर से, मैं क्या पूछ रहा हूं। मुझे एक गूगल पर सर्च करके एक अमेरिकी का वक्तव्य दिखा दीजिए, एक सीनेटर का वक्तव्य दिखा दीजिए, एक भूतपूर्व वर्तमान या भावी पद प्रत्याशी राजनेता का वक्तव्य दिखा दीजिए कि इसकी जांच के लिए आयोग होना चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ओबामा जी को क्यों मारा, मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों किया, अमेरिका से कहीं कोई आवाज आई क्या? हिंदुस्तान देश के मुद्दे पर ऐसा एक क्यों नहीं होता? मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं। गाल बजाना तो हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अच्छा करता है,
प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और जब मसला आता है बाटला हाउस का तो कहा जाता है रात भर रोते रहे फोटो देख के। अमेरिका में तो कोई नहीं रोया अहमदाबाद का फोटो देख के रात भर। अमिताभ जी मुझे कहने का मौका दीजिए। जी, जी बिल्कुल भाई साहब। देखिए देखिए आपने अभी एक सवाल किया, अभी मैं आपसे विषय से नहीं हटूंगा वरना फिर होगा ये कि आपका एक घंटा कम पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। इस वक्त विषय ये है कि आतंकवाद पर सारी हमारे देश के लोग एक साथ बात क्यों नहीं करते, एक सुर में क्यों नहीं बोलते, यही तो है। दूसरे ये कि अलग अलग जबान और अलग अलग बात क्यों नहीं करते। कोई एक मिसाल बताइए कि किसी भी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी हो या सोशल पार्टी हो, जिसने आज की तारीख में इस घटना पर या आतंकवाद के तरफदारी में कोई बयान दिया हो। ठीक है, अभी भी सुनिए। अरे मुझे मुझे सुनिए ना, मुझे बात सुनिए। अब होता क्या है कि जब देश की कमान किसी पार्टी के लोगों के हाथों में होती है तो अपेक्षाएं भी उसी से होती हैं। अभी इस वक्त अभी आज की तारीख में अमिताभ जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं के होने के अंदेशे को भी ऑफिशियली कहा गया कि हिंदुस्तान भी टारगेट पर है। जब हिंदुस्तान भी टारगेट पर है तो हमें हिंदुस्तान के जो राज करने वाले लोग हैं, जो पार्टी राज कर रही है, हम पार्टी से हट कर बात कर रहे हैं। दो रोल होते हैं, एक होता है कि हम प्रधानमंत्री किस पार्टी का है, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो संविधान में ओथ लेकर प्रधानमंत्री बन के बैठा है, हम उससे अपेक्षा करते हैं कि देश की सीमाओं की, देश के देशवासियों की और आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाने की भी जिम्मेदारी उसी की है और उसके बाद आतंकवादियों को सजा दिलाने की भी है, आइडेंटिफाई करने की भी है। जी ठीक। ये कहीं पर अगर कोई फोरम पर कहीं आवाज या कोई बात आई हो और किसी ने उसका विरोध किया हो, चाहे पाकिस्तान में या किसी देश में, तो आप बताइए। बिल्कुल ठीक बात है आमिर साहब। मैं आपकी बात, काश ऐसा होता जो आप बोले हो, ऐसा होता नहीं। मैं इसका एक क्लिंचिंग एविडेंस दे दूं, फिर अनिला जी के पास जाऊंगा, तिवारी जी के पास जाऊंगा। एक क्लिंचिंग एविडेंस जो कट नहीं सकता, उतना ही सच जितना सूर्य चंद्रमा रात में। भारत के पूर्व विदेश मंत्री, राजनयिक मामलों की अच्छी समझ रखने वाले, एक सियासी खानदान के वारिस, जाकिर हुसैन के नवासे, खुर्शीद आलम के बेटे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए वकालत सलमान खुर्शीद, उनका वक्तव्य एज इट इज कोट करता हूं। सुनो ना भाई आबिद हुसैन जी, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात पर मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिए गलत हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठोक के बात करता हूं। पाकिस्तान के हर एक सेकंड, और मैं कल उसके वीडियो ऑडियो लिंक और टेक्स्ट मटेरियल सब भिजवा दूंगा आपके पास। सलमान खुर्शीद ने कहा पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद से बहुत बेहतरी के साथ निपट रही है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। अभी इतना ही सुनो, इतना ही आज की बहस के लिए, आगे तो बहुत कुछ बोले उसमें अपने नहीं जाते। हिंदुस्तान 1947 से जवाहरलाल के समय से मोती तक एक ही बात दुनिया में हर मंच पर कहता रहा कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है, राज्य संरक्षित आतंकवाद, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, यह भारत का शासकीय मत रहा है, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही। और हमारा पूर्व विदेश मंत्री, प्रमुख विपक्षी दल का इतना बड़ा नेता, यह कह रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी आतंकवाद से अच्छी तरह लड़ रही है, तो भारत का आरोप ही खारिज हो गया। और आप कह रहे हो एक आदमी बता दो जिसने अलग बात कही हो। मैं सौ बता दूंगा आबिद साहब, सौ उदाहरण। तो अभी आएंगे आपके पास, फिर आएंगे मालिक, फिर आएंगे आपके पास। तिवारी जी, क्या ऐसे वक्तव्यों से भारत कमजोर नहीं होता? जवाहरलाल से लेके, थर्ड फ्रंट से लेके, भाजपा से लेके, हर पार्टी सरकार में रहेगी। असीम बकर साहब की पार्टी भी सरकार में शामिल रह ली, नेताजी रक्षा मंत्री रह लिए। कभी ये स्टैंड बदला क्या कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ नहीं है? हमेशा एक ही स्टैंड रहा, आज ही क्यों बदल दिया जाके वहां पर पाकिस्तान में? कांग्रेस ने, कांग्रेस के एक कदम नहीं है, कई कदम। आप जैसे वो कह रहे हैं आबिद हुसैन जी, आपका ये एक घंटा कम पड़ जाएगा अगर ये बताना शुरू कर दिया कि कहां कहां कांग्रेस ने आतंकवाद की लड़ाई कमजोर की। एक लड़ाई इन्होंने कमजोर की
एक हिंदू आतंकवाद का एक नया नाम दे करके, जो भारत में कभी था ही नहीं और आज भी नहीं है, और जितने लोग इन्होंने बंद किए आज तक सरकार ने उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई। एक क्रिएटिव आतंकवाद इन्होंने दुनिया के सामने रखा कि उसका कारण केवल था ये जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसका जो उसको कुंठित करने का काम ये इन्होंने किया। खुर्शीद साहब ने वहां जाकर के जो बात कही आपने उसको दोहरा दिया, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी बात बताइए तब हम आप उसको उसका जवाब आपको दें। अभी साहब आप पूरी बात करिए, आप बिल्कुल पूरी बात करिए, हम आपकी पूरी बात सुन रहे हैं और आप हमारी पूरी बात सुनकर जो कहना है आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये मतलब कांग्रेस ने हर कदम पर भारत के साथ जो आतंकवाद हो रहा है उसकी लड़ाई कुंठित की है, जो जो अभी अमिताभ जी भी बात कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी अभी रिजवी साहब की बात का भी चर्चा करना चाहूंगा, जवाब नहीं दे रहा हूं रिजवी साहब, केवल जो आपने प्रश्न उठाए हैं मैं उसके साथ अपनी बात जोड़ रहा हूं। आपने कहा ये जो सीरिया वगैरह में जो जितना भी बम धमाके हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, उसकी चर्चा दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। लेकिन रिजवी साहब, पूरे कश्मीर में जितना हिंदू रहता था उसको निकाल दिया गया, उसकी आवाज दुनिया ने नहीं कही, आपने एक प्रश्न उठाया क्या? नहीं उठाया। मतलब आप भारत में जो हुआ उसकी आवाज उठाने के लिए कभी आवाज आपने नहीं उठाई। आज सीरिया में जो हो रहा है, बिल्कुल भारत अत्यंत संवेदनशील देश है, दुनिया में जहां कहीं भी जनता के साथ कुछ ऐसा होता है मुझे लगता है भारत में मैं और आप हम साथ सब उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर अच्छा होता कि कश्मीर में जब यह घटना घटी थी हिंदू निकाले गए थे आप उनके साथ खड़े हो जाते, शायद आपकी बात में दम आ जाता, वो कमजोर होगी लड़ाई। अभी दूसरी बात आपने कही कि आतंकवादी पकड़ा जाए उसको वहीं मार देना चाहिए। इशरत जहां नाम की एक आतंकवादी महिला एजेंसी ने पकड़ा, भारत की एजेंसी ने मारा और सारा देश उसके थू-थू करने लगा कि एक निरपराध कन्या को मार दिया। यानी आखिर जब कोई हमारी एजेंसी इस प्रकार पकड़ती है हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद आप इस पर कुछ रास्ता और कुछ मार्ग खोल सके, मुझे लगता है आप इस पर जरूर कुछ बोलें। रिजवी साहब जी, आप जवाब दीजिए फिर मैं अमिताभ जी के पास जाऊं। जी जी अमिताभ जी, कोई घटना घटती है उसकी प्रतिक्रिया अगर होती है लोग उस पे अपने कमेंट्स करते हैं। एक सख्त कानून बनना चाहिए आतंकवादियों के अगेंस्ट में, ये जरूरत है पूरी दुनिया की। और जहां तक के बात कश्मीर में कोई घटना घटी, कश्मीर में आज आतंकवादी अगर हमला करते हैं या आतंकवादी किसी का कत्ल करते हैं तो उसकी आवाज हर हर समुदाय का लोग उठाते हैं, हम लोग उठाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तिवारी जी का सवाल है रिजवी साहब, उनका एक से मैं उनके सवाल को रिपीट कर दूं, उनका सवाल है जब एक रात में कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडित भगाए गए बलात्, तब हिंदुस्तान एक आवाज में क्यों नहीं खड़ा हुआ, वो सवाल पूछ रहे। देखिए जो बात आज जो घटना घट रही है हम चर्चा उस पे कर रहे हैं। आज अगर जो बात आप ये कह रहे हैं अमिताभ जी जो बात आप ये कह रहे हैं, अगर किसी हिंदू के साथ में ज्यादती हो रही है तो मुसलमान को उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान का एक अपना कल्चर पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ये खेदनीय है, बिल्कुल गलत है। आज सीरिया में जो हो रहा है अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, जो बम्बार्टमेंट किए जा रहे हैं, क्यों नहीं फौजें अंदर जाती? देखिए हमने जो बात कही वो गलत नहीं कही। अमिताभ जी मुझे थोड़ा मौका दीजिए अपनी बात पूरी साफ करने का। जिस वक्त पेरिस में हमला हुआ, बेगुनाह मारे गए, सब ने उसकी निंदा की, हर शख्स ने उसकी मजम्मत की। आज उनको जिन लोगों ने वो घटना घटित की थी ये लोगों को मारने के लिए, यहाँ पर मैं आपको दोहराने के लिए आजम खान साहब हर ने निंदा नहीं की। एक मिनट, हर ने निंदा नहीं की, यार थोड़ा बहुत गुस्ताखी कर रहा हूँ लेकिन रोकूंगा। आजम साहब ने कहा क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी, यही बात राजीव गांधी ने कही थी सिख नरसंहार के समय, और यही बात गोधरा के समय कही गई थी कि क्रिया प्रतिक्रिया होगी, यही बात पेरिस के लिए बोली गई, और आप कह रहे हो सब निंदा कर रहे हैं। अमिताभ जी, आजम साहब ने जो बात कही उन्हीं ने अपने मानों में बिल्कुल सही बात कही, उन्हीं ने ये बात नहीं कही थी कि ये फिर माने मत समझाओ हमको रिजवी साहब, फिर तो गोधरा में जो ये लोग बोल रहे थे वे आरएसएस वाले वो भी सही बोल रहे थे कि क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया झेलोगे। अगर आजम सही है तो वो लोग भी सही है, फिर राजीव गांधी भी सही है।
अमिताभ जी, आजम साहब ने कहा ये जितनी मामलात है ये सब तेल के मामला है। आप एक बात बताइए, जो पेरिस में गोलियां चली, मैं भी उनको जानता हूं मित्र, ऐसा नहीं है। जो पेरिस में गोलियां चली ये क्या मेड बाई आईएसआई थी? मैं जानना चाहता, एक सेकंड अनिला जी, वही सवाल आपसे। गोधरा में आरएसएस और बीजेपी ने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया, 84 में जब कई हजार सिख देश में मार डाले गए इंदिरा जी की शहादत के बाद, तो कांग्रेस के उस समय के प्रमुख और भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे राजीव जी ने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होती, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। वही बात आजम साहब ने कही कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, ठीक। तो अगर आजम साहब आज सही है तो ये सब अपने आप सही हो जाएंगे, और अगर ये सब गलत थे तो आजम साहब भी गलत है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। आजम खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दिया है, और वहाँ पे जो पेरिस में जो आतंकवाद हमला हुआ है उसकी जड़ें जो हैं कहाँ से जुड़ी हुई हैं और कौन कौन से देश जो हैं उसके टारगेट पे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। हम अगर गोधरा कांड की बात करते हैं या राजीव गांधी जी के विषय में, जैसे आपने बताया, ये हमारे अपने राष्ट्र का मसला है। और क्रिया की प्रतिक्रिया जहां बोला गया है, मैं समझती हूं कहीं ना कहीं ठीक बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला है। जब भावनाएं आहत होती हैं, जब अब आपका अपना कोई खत्म होता है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है, या तो उस वक्त जो प्रतिक्रिया होती है संभाल ली जाए, चाहे समझाकर या जोर से, जो भी तरीका अपनाना हो वो शासन प्रशासन का तरीका होता है, उस पर मैं यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। पर हाँ, जो राजीव गांधी जी ने कहा बिल्कुल गलत नहीं कहा। अगर मैं अपने देश के विषय में कहती हूँ, चाहे वो गोधरा कांड हुआ या फिर जो राजीव गांधी जी ने कहा कि प्रतिक्रिया तो होती है पर उसको कैसे संभाला जा रहा है, ये वहां का शासन और प्रशासन जो है वो बेहतर समझता है। पर हाँ, आजम खान साहब ने पूरे भारत, जब उन्होंने कहा तो वहां भारत का नाम आ रहा है, देश का नाम आ रहा है। दिक्कत ये ना, दिक्कत ये है भाजपा कांग्रेस सपा बसपा में कि हमारी जैसी बात आप लोग चाह के भी नहीं कर सकते, अपनी अपनी पार्टी को भी तो बचाना है। मेरा नपना एक ही से नापता, आजम खान से लेके गोधरा और सिख नरसंहार सबको, मेरा नपना अलग नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अगर गलती है तो सब गलत है, और एक को छूट दूंगा तो सबको छूट दूंगा। इतना बड़ा मैसेकर हो जाए और उसके पीछे ये तर्क दे दिया जाए कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, चलो अपने अपने घर जाके सो जाओ, नहीं। और एक मुझे याद आता, असीम भाई आपको सारे मुझे याद आता है, दर्शन पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, चिदंबरम ने, गृहमंत्री थे, उन्होंने उस पर इंटरवीन किया। मुझे चिदंबरम की एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। चिदंबरम ने कहा, बकार भाई सुनिएगा, आज मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी, अच्छी पोस्ट थी, कल मैंने ये बात को उठाया था कि किसी ही देश का झंडा और देश का संविधान किसी भी धर्म और जात के प्रतीक चिन्हों से बड़ा होना चाहिए। चिदंबरम ने कहा कोई भेदभाव हो, कोई दुख हो, कोई गरीबी हो, फिर भी हथियार उठाना उसका जस्टिफाइड रास्ता नहीं हो सकता। अगर हथियार उठाने की बात होती तो 70% हिंदुस्तान गरीब है, तो 70% हिंदुस्तान हथियार उठा लेगा क्या? यह तर्क नहीं चलना चाहिए समाज में कि जी ऐसा भेदभाव होगा तो गोली चलेगी। नहीं, जंगल का शासन नहीं है, कानून का शासन भारत में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। बकार भाई, अमिताभ जी देखिए, मैं शुरू से आपके चैनल पर कई बार इस तरह की बहस में आया हूं, और आप भी जानते हैं कि मैं ओसामा बिन लादेन के बारे में भी अपनी फेसबुक पर लिख चुका हूं 2008 में। कई बार मैंने आपके चैनल पर बोला कि ये सब क्रिएटेड है अमेरिका के द्वारा, और आईएसआईएस जब बनी थी तो मैंने ये कहा था कि ये अमेरिका की बी टीम है, जिसको बहुत बाद में क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो ने यह कहा कि अमेरिका की बी टीम है। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में साढ़े ग्यारह सौ से ज्यादा उलेमा और मुफ्तियों ने फतवा जारी किया और यह कहा कि आईएसआईएस कहीं से मुसलमान संगठन नहीं है, ये कहीं से इस्लाम की राह पर नहीं चल रहा है। इसको मुसलमान संगठन कहना या इसको मुसलमान कहना, ये इस्लाम के खिलाफ है, और उनके खिलाफ फतवा आया। लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, मैंने एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आपसे उठाया कि आदमी एक मारा जाए या 1,000 मारे जाएं या 1,00,000 मारे जाएं,
अगर आतंकवाद के थ्रू मारा जा रहा है, आतंकवाद के माध्यम से मारा जा रहा है, तो जो आतंकवादी इसमें शामिल है वो सजा का मुस्तैक है, उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा कौन देगा यह भी तय होना चाहिए। मैंने सद्दाम हुसैन साहब का, शहीद सद्दाम हुसैन साहब का सवाल उठाया और यह टोनी ब्लेयर ने क्लियर कर दिया, कंफर्म कर दिया कि इराक का युद्ध अमेरिका की धोखेबाजी की रणनीति का हिस्सा था, दबाव बना के हमला कराया गया। झूठ और फरेब के और मक्कारी के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई, खुफिया रिपोर्ट, वो गलत रिपोर्ट थी। मैं यूनाइटेड नेशन से, आपसे, यहां बैठे लोगों से सबसे ये पूछना चाहता हूं कि सद्दाम हुसैन की हत्या करने वालों को सजा क्या दी जाना चाहिए और सजा का तरीका क्या होगा। मैं बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्या इसको आप लोग आतंकवाद में नहीं मानते? तब भी हमें फर्क करना होगा। आबिद हुसैन साहब, आपको मैं वो कोट लाइन बता देती हूँ। आप बार बार कह रहे थे कि वो जो बयान सलमान खुर्शीद ने दिया वो आप पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने, सुन लीजिए, ट्रिब्यून ने लिखा है, भारत सरकार ने दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के अमन के पैगाम का उचित जवाब नहीं दिया। ये सलमान खुर्शीद ने कहा था जिसको उन्होंने कोट किया है। वहीं का न्यूज़पेपर है डेली टाइम्स, उन्होंने भी इस बयान को छापा है, तो आप किसी भी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। सलमान खुर्शीद की कोट किए गए बयान को इसमें दिया गया जो हमने उद्धृत किया था अपने इस बिग बुलेटिन में। अमिताभ जी, संपादक टिप्पणी। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, कई बार हमको पार्टी से थोड़ा हट जाना चाहिए, नहीं तो पार्टी का भी नुकसान करते हैं आप लोग। ज्यादा लीपा पोती से पार्टी नुकसान उठाती है और कार्यकर्ता को लगता है कि हमने झंडा गाड़ दिया। नहीं, जब दलदल में फंस जाओ तो गलत को गलत बोल दो, उससे पार्टी का कम नुकसान है, संगठन का कम नुकसान है। मुझे कोई गंगा में खड़े होकर कहे कि सिखों का नरसंहार जायज है, मैं नहीं मानूंगा। मुझे गंगा में खड़े होकर कोई कहे कि गुजरात में जो हिंसा हुई वो जायज है, मैं नहीं मान सकता। गंगा में खड़े हो जाओ, तुलसी के पत्ता हाथ में ले लो, या जमजम के पानी में डूब के खड़े हो जाओ, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। गंगा नहीं मानते हो वो मान लो, मैं नहीं मानता। मैं कश्मीर के पंडितों का अपने ही देश में शरणार्थी हो जाना मंजूर नहीं कर सकता। कितने भी तर्क दे लो, कितने भी तर्क दे लो, ये ठीक नहीं। हमको सीरिया, जापान, लेबनान, दुनिया की चिंता है, इस बात की चिंता नहीं। तीन पीढ़ियां टेंट में बड़ी पैदा हो गई, जवान हो गई कश्मीर की पंडितों की। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं। जमीयत उलेमा हिंद ने आज 200 जगहों पर प्रदर्शन किया है आतंकवाद के खिलाफ। मैंने महमूद बंदी को बधाई दी, मैंने कहा मौलाना ये काम अच्छा किया, देश भर के तमाम अच्छी सोच रखने वाले, इस्लाम के जानने वाले विद्वान लोगों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था जिसको दुनिया के तमाम मुल्कों को, राष्ट्राध्यक्षों को भेजा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा गया, वो था भारत के इस्लाम का चेहरा। लेकिन दिक्कत वहां पर पैदा होती है जब मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि 125 करोड़ का, मैं जो फर्क कहना चाह रहा था उस फर्क को समझने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर वो उत्तर प्रदेश का चेहरा है और देश के बाहर तो वो भारत का चेहरा हो जाते हैं। वैसे ही नरेंद्र मोदी भाजपा नहीं है, दुनिया के पटल पर वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का चेहरा है। एक कार्यक्रम में असीम वकार थे मेरे साथ लखनऊ में, जहां मैंने बात कही थी, मुख्यमंत्री भी थे, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश का चेहरा कोई मुझसे पूछे तो अखिलेश यादव और देश का चेहरा नरेंद्र मोदी। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो, अपने घर जाके सो जाओ। आप क्या कह रहे हो कि हमें हटाने में टाइम लगेगा, आप मदद करो और जल्दी हटा दो, पाकिस्तान क्या मदद कर देगा? क्या हैसियत है उसकी, क्या हैसियत है उसकी कि भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री को डिसलॉज कर दे? एक असफल राष्ट्र, एक डूबता हुआ देश, टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर खड़ा राष्ट्र हिंदुस्तान के जनतंत्र को बांझ कर देगा? और मदद कौन मांग रहा है आबिद भाई? हमारे घर का आदमी, तकलीफ इस बात से है। जमात तो दावा ने यह बोला होता मुझे तकलीफ नहीं थी, सिर्फ रे लोग हैं, बकते रहते हैं। मैं हर किस्म के आतंकवाद के खिलाफ हूं मित्र, हर किस्म के आतंकवाद के, कोई किसी भी जाति का, धर्म का। और एक बात, कल भी मैंने वो बात कही थी,
हिंद रिजवी साहब, हिंदुस्तान में यहां का झंडा तिरंगा और यहां का संविधान, उससे बड़ा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, उससे बड़ा कोई प्रतीक चिन्ह नहीं, सब उसके बाद होने चाहिए। देश से बड़ा पहचान कोई नहीं होनी चाहिए, तब हिंदुस्तान मजबूत होगा। और हिंदुस्तान से अगर भारत से छोटी छोटी पहचानें टकराती रहेंगी जात और धर्म की, तो भारत मजबूत नहीं होगा। मैंने क्यों फ्रांस का नाम लिया? हमारे यहां एक मुठभेड़ हो जाए, चाहे 100% डाकू मारा जाए, 100% आतंकी मारा जाए, फिर भी बवाल शुरू हो जाता है। फ्रांस में तो कुछ नहीं हुआ, 7 लोग ढेर हुए, इस हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। आज किसी ने बोला कि भाई चलो जलूस निकालो, मोमबत्ती लाओ, किसी ने राष्ट्रपति को घेरा? नहीं घेरा ना अभी साहब। अनिला जी, मैं ये चाहता हूं, ऐसा भारत चाहता, और मैं नहीं चाहता एक कुछ 100 लोगों को छोड़ दीजिए, 1000 लोगों को, पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है कि ऐसा भारत होना चाहिए। ये 1500 लोग हैं जो बवाल किए हैं देश में, इससे देश कमजोर होता है मित्र। एक नपना रखिए, मैं नहीं कह रहा राजनीति मत करिए, खूब राजनीति करिए, देश के भीतर करिए, छोटे मसलों पर सियासत कर लीजिए, लेकिन जहां भारत का चेहरा हो वहां सियासत नहीं। हम सब लोग ये बात को क्यों नहीं मान लेते कि किसी की पहचान भारत की पहचान से बड़ी नहीं, जो भारतीय है सबकी पहचान उससे नीचे होनी चाहिए, इसमें क्या समस्या है? फिर चाहे स्वरूपानंद सरस्वती बोले तो उनकी भी बात स्वीकार नहीं होनी चाहिए, ये मौलाना बोले तो उनकी भी बात मंजूर नहीं, पादरी बोले उसकी भी बात मंजूर नहीं, ग्रंथी बोले उसकी भी बात मंजूर नहीं, इसको मानने में क्या बुराई है? हिंदुस्तान से बड़ी कोई पहचान क्यों रहे इस देश में? क्या संकट है इसमें? नहीं ना, क्यों दुविधा है, किंतु परंतु क्यों होता है? इसीलिए मैंने मुंबई के हमले का भी जिक्र नहीं किया, मैंने कहा मैं संसद पर हमले का उदाहरण देता हूं, क्योंकि मुंबई के हमले का भी मैं गवाह नहीं था, संसद के हमले का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं सशरीर, उस पर भी राजनीति हुई इस मुल्क में। और कहने को हम लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि 71 की लड़ाई में एक साथ खड़े हुए, कारगिल में एक साथ खड़े हुए, फला में एक साथ खड़े हुए, नहीं भाई, सच्चाई तो गंदी है, चादर हटाओ ये मीठे मीठे शब्दों का और सच्चाई को देखो, बजबजा रहा है, बजबजा रहा है, हमारी मानसिकताएं बजबजा रही हैं, चादर तो हटाइए, ये सर्वे भवंतु सुखना वाली जो चादर बिछा रखी है हमने, इसके नीचे देखिए वही क्षुद्र मानसिकताएं, वही टकराव, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। मैं इसमें नहीं पड़ता कि कांग्रेस वाले ने कहा, भाजपा वाले ने कहा, लेकिन जिस भी नेता ने यह कहा कि अनूप चेतिया और छोटा राजन मुसलमान नहीं है, शुक्र है, ऐसी बात ठीक नहीं ना। छोटे राजन पर भी हम जात देखेंगे, और छोड़ो, शकील अहमद से आगे एक सज्जन और है, रामदास अठावले, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं लंबे समय तक, उन्होंने कहा कि छोटा राजन इसलिए पकड़ के लाया गया क्योंकि वो दलित है। लो कर लो बात, अभी साहब अब बात कर लो, वो दलित ढूंढ लाए, कल को कोई कहेगा फला मोहल्ले में रहते थे इसलिए पकड़ लिया, मजाक की कोई सीमा रखेंगे कहीं की? नहीं रखेंगे। अरे छोटा राजन चुनाव लड़ेगा क्या इटावा में? उस पर क्यों राजनीति कर रहे हो? क्यों राजनीति कर रहे हैं? लखनऊ शहर से रीता बगुड़ा जोशी के खिलाफ खड़ा होगा क्या? क्यों राजनीति करें अपन उस पर? ये बनारस में मोदी जी के खिलाफ खड़ा होगा, जो अपराधी है अपराधी है, आतंकी है आतंकी है, एक से लेकर 100 तक। भारत ये बोलना सीख ले तब भारत खुद में मजबूत हो जाएगा, तब उसको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, 125 करोड़ के मुल्क को किसी के पीछे चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आवाज एक हो, चेहरा एक हो दुनिया के बाहर, एक पहचान भारतीय, न कोई जात हमारी पहचान है, न कोई धर्म हमारा पहचान है, जैसे ही हम हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करें, वी आर इंडियंस। संविधान में क्या लिखा है? पहली पंक्ति है हम भारत के लोग, हम हिंदू मुसलमान नहीं लिखा, हम अगड़े पिछड़े नहीं लिखा, मंडल आयोग कमीशन लिखा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सिर्फ इतना ही बनना है, इतना बन लेंगे तो हिंदुस्तान अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय शंकर तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिला जी आपका, आबिद हुसैन साहब आपका, आसिम वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रिजवी साहब आपका, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।